पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका की टीम ने जीता एशिया कप 2022 का खिताब। पाकिस्तान को आखिरी मुकाबले में ऐसे हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। श्रीलंका की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम को बड़ी शिकस्त दी है और एशिया कप में शानदार जीत दर्ज करते हुए एशिया का चैंपियन बन चुका है श्रीलंका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के टॉस की हम बात करें तो फाइनल मुकाबले में महत्वपूर्ण टॉस जीता बाबर आजम ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया श्रीलंका की टीम को। श्रीलंका की टीम की आज शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पारी की शुरुआत करने उतरे प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस, लेकिन पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस क्लीन बोल्ड हो गए और यहाँ पर वो गोल्डन डक का शिकार बने और पहली गेंद पर शून्य रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी यहां पर क्रीज पर उतरे धनंजय डिसिल्वा ने पतुम निशंका के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर पतुम निशंका के रूप में एक और झटका लगा श्रीलंका की टीम को। यहाँ पर बाबर आजम ने शानदार कैच करते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखाई और श्रीलंका ने अपने दो महत्वपूर्ण विकेट 23 रनों के स्कोर पर गंवा दिए। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद यहाँ पर श्रीलंका की टीम संभल कर बल्लेबाजी नहीं कर पाई और धनुष का गुना तिलका के रूप में 36 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया। यानी कि पावर प्ले में टीम ने मात्र 42 रन बनाए और तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद यहां पर धनंजय डिसिल्वा, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 53 के स्कोर पर श्रीलंका ने 8वें ओवर में अपना चौथा विकेट गंवा दिया। तो वहीं पर इसके बाद कप्तान दसुन सनका के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आज के मुकाबले में मुश्किलों में फंसी हुई थी यहां पर पूरी तरीके से श्रीलंका की टीम। लेकिन दसुन सनका भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और टीम को एक और झटका उनके रूप में लगा, यानी कि 58 रनों के स्कोर पर 5वां विकेट गिरा श्रीलंका की टीम का। 9 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 59 रन बना दिए थे, लेकिन उनके 5 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से यहाँ से मुकाबला पूरी तरह से पलट कर रख दिया जब क्रीज पर उतरे वनिंदु हसरंगा ने भानुका राजपक्सा के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप की। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की, लेकिन इन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई वो काफ़ी आक्रामक थी और कुछ ही समय में टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे लेकर गए। 13वें ओवर में ही टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। शानदार बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की और इस तूफानी बल्लेबाजी ने यहाँ पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के चेहरे की हंसी भी छीन ली, क्योंकि दोनों ने जिस तरह की बल्लेबाजी कि उसने मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी हुई, जो कि काफ़ी आक्रामक साझेदारी थी और इस साझेदारी ने यहां पर श्रीलंका की टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया। इन्होंने मात्र 33 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी कर ली, जिसमें 18 गेंदों पर 28 रन वनिंदु हसरंगा ने बनाए तो वहीं पर 15 गेंदों पर 21 रन बनाए भानुका राजपक्से ने। वहीं पर दोनों बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और 15वें ओवर तक टीम का स्कोर 116 रन पहुंच गया था, तभी वनिंदु हसरंगा के रूप में श्रीलंका की टीम को एक और झटका लगा। यानी कि छठा झटका लगा जब वनिंदु हसरंगा 21 गेंदों पर शानदार 36 रनों की पारी खेलकर हॉरिस रोप का शिकार बने। लेकिन इसके बाद अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी भानुका राजपक्सा के ऊपर, जो कि सेट बल्लेबाज थे और उन्होंने आखिरी 5 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई चमिका करुणारत्ने के साथ मिलकर। चमिका करुणारत्ने की हम बात करें तो उन्होंने 14 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली, जिसमें एक छक्का शामिल था, लेकिन भानुका राजपक्सा ने 45 गेंदों पर नाबाद 71 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे और इसी पारी ने इस मुकाबले को पूरी तरह से पलटा और श्रीलंका को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। हम बात करें यहां पर पाकिस्तान की गेंदबाजी की तो आज हॉरिस रोप की गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही, जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की। इसके अलावा नसीम शाह 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट लिया, तो वहीं पर शादाब खान ने 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिए, तो वहीं पर इफ्तिकार अहमद ने भी 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें श्रीलंका की टीम की तो शानदार बल्लेबाजी रही भानुका राजपक्सा की और उन्होंने की दमदार पारी के चलते 170 रन बनाए। वहीं पर इसे 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन बाबर आजम इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए और चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे।
बाबर आजम 6 गेंदों पर 5 ही रन बनाए और पूरा एशिया कप उनका काफी खराब गया। बाबर आजम को पेवेलियन की राह दिखाई मधुसन ने और पहली सफलता दिलाई श्रीलंका की टीम को। बाबर आजम 6 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए, लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर नए बल्लेबाज फखर जमान अपना खाता भी नहीं खोल पाए और प्रमोद मधुसूदन की गेंद पर बोल्ड हो गए और एक और झटका यहां पर लगा पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम ने 2 लगातार विकेट गंवा दिए और 22 रनों पर अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार पार्टनरशिप हुई 2 खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद के बीच। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। पावर प्ले की हम बात करें तो यहाँ पर पावर प्ले में सिर्फ 37 ही रन बना पाई पाकिस्तान की टीम 2 विकेट गंवाकर। पाकिस्तान की टीम की तरफ से यहाँ पर मोहम्मद रिजवान जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे और इफ्तिकार अहमद जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उससे टीम ने विकेट तो नहीं गिरने दिए, लेकिन ये बल्लेबाजी काफ़ी धीमी थी। हम बात करें इफ्तिकार अहमद की तो उन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 32 ही रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का जरूर लगा, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार की बल्लेबाजी इनको करनी थी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए वैसी ये टीम इस टीम के ये बल्लेबाज कर नहीं पाए और यहाँ पर पूरी तरह से निराश किया सभी फैंस को जो कि पाकिस्तान की टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा कर आए थे। लेकिन आज के मुकाबले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम की हार का सबसे बड़ा कारण रिजवान और इफ्तिकार अहमद ही रहे जो कि काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करके आउट हुए। हम बात करें यहाँ पर तीसरे विकेट की तो यहाँ पर पाकिस्तान ने तीसरा विकेट 13.2 ओवर में 93 रनों के स्कोर पर गंवाया इफ्तिकार अहमद के रूप में। लेकिन दोस्तों इफ्तिकार अहमद के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर चमी का करुण नारत्ने का शिकार बने। इसके बाद वनिंदु हसरंगा ने एक ही ओवर में मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। पहले तो वनिंदु हसरंगा ने पेवेलियन की राह दिखाई मोहम्मद रिजवान को जो कि 49 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद उनकी शानदार गेंदबाजी जारी रही और आसिफ अली को खाता भी नहीं खोलने दिया, तो साथ ही साथ खुशदिल साहब भी सिर्फ 2 ही रन बना पाए, यानी कि एक ही ओवर में 3 बड़ी सफलताएँ लेकर यहाँ पर मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें पाकिस्तान की टीम की तो कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक ही नहीं पाया और पूरी पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गई इस स्कोर से। श्रीलंका की तरफ से शानदार गेंदबाजी की मधुसन ने जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 34 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की, जबकि वनिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की और इसके साथ ही यहां पर एशिया की चैंपियन बन चुकी है श्रीलंका की टीम जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहद ही शानदार मुकाबले में बड़ी हार यहाँ पर थमाई है पाकिस्तान की टीम को और इस जीत के साथ ही अब इतिहास रच दिया है पाकिस्तान की टीम ने 23 रनों से फाइनल मुकाबला जीतकर। तो दोस्तों पाकिस्तान की हार से आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।